हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का चल रहा है, जिसमें हम फोरकास्टिंग को स्टडी कर रहे थे, इसी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट वाले वीडियोस में। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, वो टॉपिक क्या था हमारा, इट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग। यहाँ पर हम फोरकास्टिंग को क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, स्टडी कर रहे थे। और फोरकास्टिंग में जो आज का ये लेक्चर है, इसमें हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, तो कल मैंने बताया था कि हम लोग जितना भी सिलेबस पढ़ चुके हैं फोरकास्टिंग का, इसके अलावा आपका एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड और जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिकली आपको रिवाइज करा देता हूं कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाया था कि यार फोरकास्टिंग क्या होता है, ठीक है, फोरकास्टिंग को हम क्यों करते हैं, ओके। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि फोरकास्टिंग हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो यहां पर जब मैंने फोरकास्टिंग को समझाया था, तो मैंने बताया था कि फोरकास्टिंग हमारा जनरली टू टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग और एक हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। तो यहां पर मैं एकदम जनरली इसको रिवाइज करा देता हूं बस। एक हमारा होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, और एक हमारा क्या होता था फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव। एक हमारा क्या होता था, क्वांटिटेटिव। मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पूरी डिटेल एनालिसिस मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में फोरकास्टिंग से क्वेश्चन पूछेगा, जो कि पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पूछेगा, इजी भी है, तो वहां पर अगर आपसे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग से पूछेगा। ठीक है, वहां पर मैंने क्या बताया था कि क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग आपकी एक सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग होती है, ये हमारे न्यू प्रोडक्ट बेस्ड होती है, लॉन्ग टर्म की होती है, ठीक है, मार्केट सर्वे होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है, जजमेंटल होता है, 2 to 3 years के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर फोरकास्टिंग करते हैं, पब्लिक ओपिनियन ली जाती है। तो ये सारी चीजें हमने क्या किया था, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, जो मेथड हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग को निकालने के लिए, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, डेल्फी मेथड या डेल्फी टेक्निक कहते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद मैंने बताया था कि यहां पर जो मेन चीज जो हम पढ़ते हैं, जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है हमारा, क्वांटिटेटिव, ठीक है, फोरकास्टिंग होता है। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग को हम ऑब्जेक्टिव फोरकास्टिंग भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली इसको क्वांटिटेटिव से ही किया जाता है। ये आपका दो टाइप्स में बेस्ड होता है, इसको भी हम दो टाइप्स में क्वालिफाई करते हैं। तो एक हमारा होता है टाइम बेस्ड होता है, एक हमारा होता है टाइम बेस्ड, और एक होता है हमारा कोरिलेशन टेक्निक, कोरिलेशन बेस्ड टेक्निक होता है। ठीक है, कोरिलेशन बेस्ड होता है। तो जो हमने टाइम बेस्ड जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको तीन चीजें पढ़ा दिया था। यहां पर मैंने आपको पास्ट एवरेज मेथड मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, एन और के टाइम्स मूविंग एवरेज पढ़ाया था, एन और के टाइम्स मूविंग एवरेज। उसके बाद मैंने आप लोगों को वेटेज एवरेज मूविंग मेथड पढ़ाया था। तो यहां पर मैंने कल आपको ये तीन चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था यहां पर। उसके बाद मैंने बताया था कि यहां पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक है, जो इसी टाइम बेस्ड टेक्निक पे आता है, और एक हमारा रिग्रेशन एनालिसिस है। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक आपका क्या होने वाला है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक, या आप क्या कर सकते हैं, स्मूथिंग मेथड हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड क्या होता है, कौन सा रिलेशन यूज करते हैं, डेरिवेशन भी मैं आपको करा दूंगा, न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा, बट इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में हम लोग ये सब पढ़ते क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आप लोग भी जब पढ़ते होंगे, तो आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि यार ये सब टेक्निक्स हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर।
ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसके पीछे का कारण बताता हूं। एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, जितने भी ये सब जो टेक्निक्स हम पढ़ते हैं, ये सारे जो टेक्निक्स हम जो पढ़ते हैं जिसमें हमारा टाइम बेस्ड आता है, कोरिलेशन बेस्ड आता है, जो भी हम फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं, तो ये फोरकास्टिंग क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर जो हम क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं, जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जो मैथमेटिकली होता है, जो साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड होता है, वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स कि इन सारे मेथड्स को फ्रेंड्स किसी ना किसी कंपनी के द्वारा पहले ही यूज किया जा चुका है। बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सारे मेथड जो होते हैं ना फ्रेंड्स, इनको किसी ना किसी कंपनी के द्वारा पहले यूज किया जाता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि जनरली जो ये कंपनीज होती है ना, ये जापान एंड यूएसए बेस्ड कंपनीज होती है, ठीक है। हमारे यहां अब जाके टाटा महिंद्रा ये सब अब ग्लोबल लेवल पे फाइट कर रही हैं, बट अगर मैं 1960s 1970s की बात करूं, तो उस समय जब क्या होता था, जब बहुत हाई लेवल पे प्रोडक्शन होता था, जब कोई कंपनी किसी चीज को मैन्युफैक्चर करती थी, तो जनरली क्या होता था कि कंपनीज क्या करती थी, इस टाइप के मेथड्स को यूज करके अपने फोरकास्टिंग को क्या करती थी, एनालाइज करती थी, अपने फोरकास्टिंग को बताती थी, और उस हिसाब से वो अपने डिमांड एंड सेल्स को क्या करते थे, बैलेंस करते थे, और अपनी जो प्रोडक्ट है उनको क्या किया करते थे, बेचा करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ होगा कि किसी कंपनी ने सबसे पहले देखा होगा कि उन्होंने पास्ट एवरेज मेथड से उन्होंने अपनी फोरकास्टिंग की होगी, फिर समय के साथ साथ उनको एहसास हुआ होगा कि भाई पास्ट एवरेज मेथड से मेरा काम उतना अच्छे से नहीं बनेगा, तो मैं एन और के टाइम्स मूविंग एवरेज से करूंगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा, उसके बाद उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि नहीं यार, मैं वेटेज एवरेज मूविंग मेथड से भी मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने फोरकास्टिंग को क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं, मैं अपने फ्यूचर डिमांड को क्या कर सकता हूं, एनालाइज कर सकता हूं, पहले से बता सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप लोग हमेशा एक बात समझिएगा कि आपकी जो फोरकास्टिंग होती है वो 100% आपके डिमांड से मैच नहीं खा सकती, ठीक है। अगर आपकी फोरकास्टिंग एकदम 100% सही हो गई, तो आप तो भगवान बन जाओगे, आप तो अल्लाह बन जाओगे, ठीक है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हम तो भगवान अल्लाह है नहीं, हम तो मामूली इंसान है। तो हम क्या करते हैं, हम जो साइंटिफिकली बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ डिमांड और फोरकास्टिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लॉस नहीं होता है, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट से या तो हम ज्यादा कमा सकते हैं या तो हम कम कमाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं उनको इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी फोरकास्टिंग टेक्निक्स क्या होती है, सही होती है। तो एक्चुअली क्या होता गया फ्रेंड्स कि ये सारे जो टेक्निक्स है आपस में एक दूसरे से बेटर टेक्निक थे, मतलब इसको और इवॉल्व किया गया, मतलब और इसको क्या किया गया, ज्यादा बेटर टेक्निक बताया गया। तो एक्चुअली जो आपका ये एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग मेथड होता है, ये एक तरह का वेइंग एवरेज मूविंग मेथड ही है, ये एक यही मेथड है, यही ये वाला मेथड है, बट ये क्या है, ज्यादा कारगर है, ज्यादा एक्यूरेट है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, और इसीलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। सो यहां पर इतनी कहानी बताने का मेरा मकसद ये था कि यहां पर जो एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग मेथड है, एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग मेथड में भी मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी फोरकास्टिंग हो रही है उसको मैं कुछ ना कुछ वेट असाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब वो वेट मैं कितना असाइन कर रहा हूं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो गवर्निंग इक्वेशन है जो मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, उसको डिराइव करके बताऊंगा, ऑल्दो उसके डेरिवेशन की इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं क्या करूंगा, उसको मैं डिराइव करके बता दूंगा। उसके बाद क्या होगा, मैं इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी बता दूंगा, ठीक है। सो यहां पर जो मेरा मेन गवर्निंग इक्वेशन होता है जिसके थ्रू मैं एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग मेथड को मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं, तो वो मेरा क्या होता है, वो होता है एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस वन प्लस अल्फा डी टी माइनस वन माइनस एफ ऑफ टी माइनस, ठीक है। इस इक्वेशन को, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इस इक्वेशन को तो बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई चारा नहीं है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं ये बात को कि इस इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। क्यों याद करना पड़ेगा, पहले तो मैं बता देता हूं कि ये इक्वेशन है क्या। तो सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूं कि ये एफ टी क्या है, तो भाई एफ टी जो है आपका ये फोरकास्ट फॉर टाइम टी है, ठीक है, फोरकास्ट फॉर टाइम टी, मतलब यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं, किसी पर्टिकुलर टाइम टी के लिए मैं फोरकास्टिंग करना चाह रहा हूं। अगर मैं इस फोरकास्टिंग की वैल्यू को निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इनकी वैल्यूज को पुट कर दूंगा। तो यहां पर जो एफ ऑफ टी माइनस वन होता है, ठीक है, एफ ऑफ टी माइनस ये वन होता है, ये क्या होता है, फोरकास्ट ऑफ प्रीवियस ईयर या प्रीवियस
ठीक है, प्रीवियस टाइम टी, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि मैं यहां पर, अगर मैं यहां पर जो f ऑफ t में t को मान लीजिए मैं 2006 ले रहा हूं या 2007 ले रहा हूं, कुछ भी ले रहा हूं, ठीक है 2021 ले रहा हूं, मान लीजिए कि मैं फोरकास्ट निकालना चाह रहा हूं 2021 के लिए, तो यहां पर जो ये फोरकास्ट होगा ये किसके लिए होगा, ये 2020 के लिए होगा, ठीक है। जस्ट जो पहला वाला फोरकास्ट होता है हम उसको कंसिडर करते हैं। यहां पर आपको डी से समझ में आ गया होगा कि जो डी टी माइनस वन होता है ये डिमांड फॉर प्रीवियस ईयर होता है, डिमांड फॉर प्रीवियस ईयर या प्रीवियस टाइम, ठीक है प्रीवियस टाइम। अब ये ईयर हो सकता है, ठीक है मंथ हो सकता है, वीकली बेस्ड हो सकता है, जिस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछेगा उस बेसिस पर ये हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर जो ये अल्फा होता है, यहां पर जो ये अल्फा होता है, यही अल्फा आपका मेन होता है, अल्फा आपका होता है एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग कॉन्स्टेंट, एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है अल्फा मतलब अल्फा की जो वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिएगा अल्फा की वैल्यू आपकी 0 to 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है, ठीक है। नाउ अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपकी, जो 0 to 1 के बीच में लाई करेगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक बार मैं अल्फा की वैल्यू 0.2 ले रहा हूं और एक बार मैं अल्फा की वैल्यू 0.4 ले रहा हूं, ठीक है, तो जितना ज्यादा अल्फा की वैल्यू लूंगा उतना ही मेरी जो प्रेडिक्शन होगी वो ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, ऐसा थ्योरेटिकली हम बताते हैं, ठीक है। अब यहां पर अल्फा की वैल्यू जो होती है, अल्फा की वैल्यू ये 2/(n+1) भी होती है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहां पर जो अल्फा की वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 2/(n+1) होती है, जहां पर n क्या होता है, n होता है आपका नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, n क्या होता है आपका नंबर ऑफ पीरियड भी होता है, ठीक है। बट जनरली ये आपको कैलकुलेट करने को नहीं दिया जाएगा, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी और आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में फोरकास्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपसे क्या की जाएगी, पूछी जाएगी, ठीक है। आपको बस ये इक्वेशन ध्यान रखना है, ठीक है, इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहां पर क्या होता है, मैंने आपको कहा कि यहां पर जो हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग मेथड होता है, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ वेइंग मेथड, मतलब यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, वेटेज असाइन कर रहे हैं। सो यहां पर भी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर भी हम वेटेज असाइन करते हैं, यहां पर भी हम वेटेज असाइन करते हैं, ठीक है, वेटेज असाइन करते हैं। तो यहां पर अगर मैं वेटेज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर कैसे कैसे मैं वेटेज असाइन करता हूं, तो यहां पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मान लीजिए कि मैं किसी फोरकास्ट फॉर एन निकालना चाहता हूं या फोरकास्ट फॉर टाइम टी निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी एन माइनस वन या टी माइनस वन आप लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी एन माइनस टू, प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं डी एन माइनस थ्री, प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा टू द पावर फोर, टू द पावर फोर डी एन माइनस फोर एंड सो ऑन, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, पहले तो आप लोग इस इक्वेशन को लिख लीजिए, मैं इस इक्वेशन को समझाऊंगा, ठीक है। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर मैं इसको n भी लिख सकता हूं, यहां पर मैं इसको t भी लिख सकता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, जो अभी आपके प्रीवियस डिमांड थे, ठीक है, अगर मैं एक मान लीजिए कि ये n की वैल्यू है, फोरकास्ट मान लीजिए कि ये 2021 का है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2020 हो गया, ये क्या हो गया 2020, ये 2019 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2019 का डिमांड, ये 2018 का डिमांड, ये 2017 का डिमांड, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो डिमांड होते हैं ना, इनको कुछ ना कुछ देखिए मैं वेटेज असाइन कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है, ये आपका कुछ ना कुछ वेटेज असाइन हो रहा है, वेटेज असाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेटेज असाइन हो रहा है। तो यहां पर जो हम वेटेज दे रहे हैं, द वेटेज दैट वी आर गिविंग, ठीक है, द वेटेज जो हम लोग यहां पर देते हैं, वो वेटेज क्या होता है, वो वेटेज होता है आपका अल्फा, फिर ये क्या होता है अल्फा वन माइनस अल्फा, ठीक है, उसके बाद अल्फा वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और क्या होता है अल्फा वन माइनस अल्फा क्यूब, और ये कहां तक जाता रहता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका इंफिनिटी तक जाता है, ये आपका कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं, यहां पर अगर मैं समझाना चाहूं कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा टेबल दे देता है, जो कि नहीं देगा फिर भी मैं बता देता हूं, मान लीजिए आपको कोई टेबल दे देता है जहां पर आपको पिछले 200
डिमांड दिया गया पिछला 200 यूनिट का, मान लीजिए कि आपको 200 दिनों का डिमांड दिया है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हर डेली बेसिस पे कंज्यूम होती होंगी, तो डेली बेसिस पे भी मैं डिमांड दे देता हूं। तो अगर मैं डेली बेसिस पे मान लीजिए 200-300 दिन का डिमांड दे दिया, ठीक है, या 365 दिन का डिमांड दे दिया, तो उस केस में अगर आपको निकालना है, जैसे मैंने आपको क्या किया फ्रेंड्स, मैंने आपको 1 जनवरी 2020 से लेकर मैंने आपको 31 दिसंबर 2020 तक मैंने आपको क्या कर दिया, डिमांड दे दिया इतना सारा। तो यहां पर कितने कॉलम्स हो गए टोटल, यहां पर टोटल 365 आपके हो गए, 365 हो गए। यहां पर भी मैं आपको क्या कर दूंगा, डिमांड दे दूंगा या सप्लाई दे दूंगा, और उसका भी मैंने 365 वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद मैं बोलना चाहता हूं भाई 1 जनवरी 2021 का क्या होगा, 1 जनवरी 2021 का मैं क्या करूंगा, तो वहां पर जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि नहीं आते हैं, तो वहां पर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो कुल मिला के हम इसका यूज ही नहीं करने वाले, ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड है। यहां पर मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि यहां पर आप बस क्या करेंगे, इसको बस यूज कर लेंगे। यहां पर आप बस ये समझिए कि यहां पर अल्फा अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ये क्या है, ये वेटेज असाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं अल्फा यानी कि स्मूदिंग कॉन्स्टेंट प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा क्यूब प्लस ऐसे करते करते इंफिनिटी तक अगर मैं इसका सम करूंगा, तो इसका सम क्या होना चाहिए, इसका सम क्या आ जाना चाहिए, इसका सम आना चाहिए 1, ठीक है। क्योंकि हम वेटेज, जब हम वेटेज मेथड पढ़ते थे तो हम वहां पर क्या करते थे, सम्मिशन एन निकालते थे। सम्मिशन एन क्या होता था, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता था, यही हम करते थे। और हम लोग वहां पर ये ध्यान देते थे कि ये जो सम्मिशन है, जो सम्मिशन हम वेटेज निकाल रहे हैं, सम्मिशन वेटेज, वेटेज हम कैसे निकालते थे, वेटेज हम निकालते थे, जो हमारा वेटेज होता था, वेटेज हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे एन अपॉन सम्मिशन एन, ठीक है। फिर हम क्या निकालते थे, एन माइनस वन अपॉन सम्मिशन एन, फिर हम क्या करते थे, n माइनस टू अपॉन सबमिशन n, ये हम ऐसे करते थे ना, ऐसे करके हम लोग निकालते जाते थे। तो वहां पर इनका जो सम होना चाहिए, इनका जो सम होना चाहिए, सम ऑफ वेटेज, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो यहां पर भी ये जो मैंने वेटेज असाइन किया है, तो इन सारों का वेटेज अप टू इंफिनिटी ये जाएगा, तो वो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहां पर जो n की वैल्यू है, ये क्या है आपकी, इंफिनिटी है। यहां पर जो n की वैल्यू क्या है, वो इंफिनिटी है। ओके, नाउ अब यहां पर समझिए, अगर आप लोग थोड़ा सा इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो ये रिलेशन आपकी कैसी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह बन रही है कि नहीं बन रही है, ये रिलेशन आपकी कैसी बन रही है, दिस रिलेशन इज अ काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है, एक आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो आपका ए है वो क्या है, ए आपका है अल्फा, ए मतलब फर्स्ट टर्म। जो आपका रेशियो है वो क्या है, 1 माइनस अल्फा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो यहां पर जो आप सम्मिशन करेंगे, यहां पर भी जब आप सम्मिशन करेंगे, तो सम्मिशन की इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या वो वैल्यू आता है, ठीक है, कितना आएगा, सेम 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मेरे को जो काम का इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, वो ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। अब सॉरी मेरे पास जो काम का इक्वेशन है, वो काम का इक्वेशन है ये वाला, ठीक है, ये वाला मेरे काम का इक्वेशन है। ओके, नाउ अब यहां पर मैं क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, अभी मैंने लिखा था एफ टी, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं अल्फा, इसको मैं लिख रहा हूं डी टी माइनस वन प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, डी टी माइनस टू प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डी टी माइनस थ्री प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा क्यूब, वन माइनस अल्फा क्यूब डी टी माइनस फोर प्लस सोर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के बताया था। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एफ टी को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से अल्फा इंटू डी टी माइनस वन को तो मैं लिखा ही हूं, यहां से मैं सारे टर्म्स में से वन माइनस अल्फा को कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं यहां से वन माइनस अल्फा को कॉमन ले रहा हूं, वन माइनस अल्फा को मैं कॉमन ले रहा हूं, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने यहां पर क्या आ गया, अल्फा डी टी माइनस टू प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा डी टी माइनस थ्री प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा स्क्वायर डी टी माइनस फोर एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। अब यहां पर मेरे को इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर ये मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा डी टी माइनस वन प्लस वन माइनस अल्फा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एन माइनस
लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं इसको लिखूंगा एफ ऑफ एन माइनस वन तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी टी माइनस टू प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा डी टी माइनस थ्री, ऐसे करके, ठीक है। सो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको ओपन कर दे रहा हूं, इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, ओपन कर देता हूं, अल्फा डी टी माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस माइनस अल्फा एफ ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा रिलेशन है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको ओपन कर दिया, इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, इस टर्म को मैंने ओपन कर दिया। तो यहां से एफ टी की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, एफ टी की वैल्यू मेरी आ रही है एफ एन माइनस वन प्लस अल्फा, ये मैं लिख सकता हूं डी टी माइनस वन माइनस एफ ऑफ टी, सॉरी ये एन नहीं है ये टी है, यहां पर ये सब क्या है, यहां पर ये टी है, ठीक है, यहां पर ये सब क्या है, ये टी है, ठीक है, एन और टी में कंफ्यूज नहीं होना, मैं थोड़ा सा यहां पर लिख दिया हूं, ये क्या, तो ये मेरी फॉर्मूला फिर से मेरे पास डिराइव हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, मैंने बोला था ना मैं इसको डिराइव करके भी बता दूंगा, लीजिए मैंने डिराइव कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, कुल मिला के हम इसको इस टाइप से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर न्यूमेरिकल्स लेंगे, नाउ इट्स टाइम टू टेक दी न्यूमेरिकल्स। अब ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, आपको बस ये न्यूमेरिकल्स एक एक करके बनाते जाना है, ठीक है। यहां पर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिया है, यहां पर दिया है फॉर द गिवन डाटा डिटरमाइन द डिमांड फॉर सेवेंथ पीरियड यूजिंग, पहला आपका क्या है, सिंपल एवरेज, थ्री पीरियड और फोर पीरियड, मूविंग एवरेज, वेटेज एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग मेथड फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.4। और यहां पर देखिए उन्होंने पीरियड, डिमांड और उसका क्या दे दिया है, वेटेज असाइन कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये बना देता हूं पीरियड डिमांड और वेटेज, सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूं, पीरियड डिमांड और वेटेज आप लोगों का मैं यहां पर बना देता हूं, एक दो और ये आपका क्या हो गया तीन, ठीक है, ये आपका ये हो गया, पहले में आपका क्या होगा, पहले में आपका होगा पीरियड, ये आपका क्या होगा डिमांड, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, और ये आपका क्या होगा वेटेज, ठीक है। यहां पर मैं आपकी खुशी के लिए सीरियल नंबर लिख देता हूं, लीजिए भाई, और टोटल यहां पर कितना है, छह कॉलम्स हैं, तो चलो भाई छह कॉलम में, सॉरी चार छह रो बना देता हूं, एक दो, छोटा बनाना पड़ेगा, दो तीन चार पांच और छह, ठीक है। सो यहां से मैं लिख देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। यहां पर भी पीरियड भी यहां पर कितना दिया है, पीरियड भी यहां पर दिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दोनों को एक जैसे लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं 0102 करके लिख दे रहा हूं। डिमांड आपके 32, 28, 31, 48, 52, 50, तो भूल गया मैं, 32, 28, 32, 28, 31, 48, 31, 48, 52, 50, ठीक है, 52 और ये आपका क्या आ गया 50 आ गया। इसको मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा हूँ फ्रेंड कि क्वेश्चन सॉल्व करने में यहां पर आपको आसानी हो, ठीक है। इसके बाद है 0.05, इसको मैं छोटा ही कर देता हूँ ना, ये आपका हो जाएगा 0.15, 0.18, 0.20, ये आपका क्या आ गया 0.22, 0.15, 0.18, 0.20, फिर 0.20, 0.22, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया। नाउ यहां पर आपको सबसे पहले क्या बोला है कि आपको सेवेंथ पीरियड का निकालना है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सेवेंथ पीरियड का भी निकालना है, फोरकास्टिंग करनी है सेवेंथ पीरियड के लिए, ठीक है, सेवेंथ पीरियड के लिए आपको करनी है, सच दैट पहला जो तरीका आपका होना चाहिए पास्ट एवरेज होना चाहिए। तो भाई आपके पास डिमांड की वैल्यूज दी गई है, आप इसका एवरेज कैलकुलेट कर लो, तो ये इसका एवरेज क्या हो जाएगा भाई, पहले तरीके से अगर मैं पास्ट एवरेज से इसका करना चाहूं, ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन ये सब तो आपसे बन जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 32 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसको जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 48 प्लस
52 प्लस 50 ठीक है डिवाइडेड बाय 6 तो ये आपका कितना आ रहा है 40.16, ये आपका कितना आ रहा है 40.16। अच्छा नाउ अब यहां पर जो ये आपका आंसर है 40.16 तो हम इसको डेसिमल में तो लेंगे नहीं, तो जनरली इसको क्या किया जाता है, ये 40 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो इसे हम अप्रोक्सीमेट करके क्या ले लेते हैं, इसको हम 41 कंसिडर कर लेंगे। तो अगर मैं इस मेथड से यूज कर रहा हूं सिंपल एवरेज तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 41 आ रहा है। उसके बाद क्या दिया है आपको, 3 पीरियड एंड 4 पीरियड मूविंग एवरेज पूछा जा रहा है। तो अगर मैं 3 पीरियड मूविंग एवरेज लूंगा तो मैं कौन से डाटा को कंसिडर करूंगा, डाटा ऑफ 4, 5 एंड 6। यहां पर मैं किसके डाटा को यूज करूंगा, 4, 5 एंड 6 पीरियड को। तो यहां पर अगर मैं 3 पीरियड मूविंग एवरेज ले रहा हूं, 3 पीरियड मूविंग एवरेज ठीक है, 3 पीरियड मूविंग एवरेज, तो यहां पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 प्लस 52 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 100, 150, ये कितना हो जाएगा 50 ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 3 पीरियड मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ले रहा हूं तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 4 पीरियड की बात करूं तो 4 पीरियड में आपको 3rd के भी डाटा को कंसिडर करना पड़ेगा, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 181/4। अब आप इसको पूरा ऐड करेंगे ना, 48 प्लस 52 100, 150, 181, तो 181 डिवाइडेड बाय 4 तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4, 4 16, 4, 5 20, 45.25, यानी कि इसके बेसिस पे जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस बेसिस पे आपका आंसर 46 आ रहा है ठीक है। बहुत इजी, आप देख रहे हैं कितना इजी है। तीसरा आपसे क्या बोल रहा है, वेटेज एवरेज बोल रहा है, और वेटेज आपको यहां पर असाइन कर दिया गया है ठीक है। तो अगर आप इसको, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको जो ये वेटेज दिया गया है ये वेटेज का सम कितना होना चाहिए, ये वेटेज का सम 1 होना चाहिए। तो देखिए कर लेते हैं भाई, 0.5 और ये कितना हो गया, ये हो गया 0.2 ठीक है, ये हो गया 0.4 ठीक है, ये हो गया 0.4, ये भी 0.4 हो गया, 0.4, 0.4, 0.8, 0.8 प्लस 0.2 ये आपका कितना हो गया 1। तो यहां पर सबमिशन जो वेट आ रहा है, वेटेज सबमिशन ऑफ वेटेज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये वेटेज बिल्कुल सही असाइन किया गया है। और अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहां पर ध्यान से आपको समझ में आएगा, जो रिसेंट डाटा है उसको सबसे ज्यादा वेटेज असाइन किया गया है ठीक है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, ये क्या है फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे 0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 0.15, 0.05, यानी कि जो सबसे पहले पीरियड की डिमांड थी उसको क्या किया है, सबसे कम वेटेज असाइन किया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था ना कि वेटेज मूविंग एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जो सबसे रिसेंट डाटा होता है उसको सबसे ज्यादा वेटेज असाइन करते हैं। तो अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालना चाहूं ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर मैं 7th पीरियड की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, 32 × 0.05 प्लस ये क्या हो जाएगा 28 × 0.15 प्लस ये क्या हो जाएगा 31 × 0.18 ठीक है, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 48 × 0.2 प्लस 50 × 0.2 प्लस 50 × 0.22 ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग जोड़ लीजिएगा ठीक है, यही फिर फाइनल आपका क्या हो जाएगा, वेटेज मूविंग एवरेज से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ अब यहां पर मेरे को क्या बोला है, अब यहां पर मेरे को बोला है, चलो भाई इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, ठीक है, अब यहां पर मेरे को क्या बोला गया है, यहां पर मुझे कुछ चीजें बोली गई हैं ठीक है, क्या बोला गया है कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मुझे क्या करना है, अब यहां पर मुझे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड लगाना है, यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड लगाना है, और यहां पर सबसे पहले दिया कि अल्फा की वैल्यू को आप क्या लीजिए, 0.2 ले लीजिए, आप अल्फा की वैल्यू को क्या रखिए, 0.2 रखिए ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट यहां पर क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं इसका कारण है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है ft = f(t-1 + α(dt-1 - f(t-1) यही मेरे पास फॉर्मूला है ठीक है। मुझे फोरकास्ट निकालना है 7th पीरियड के लिए, मुझे फोरकास्ट किड्स के लिए निकालना है 7th पीरियड के लिए ठीक है। मेरे पास डिमांड 6th पीरियड की है, लेकिन क्या मेरे पास फोरकास्ट 6th पीरियड का है,
है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो यहां पर बच्चे परेशान हो जाते हैं, बोलेंगे सर अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहां पर यार थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था एफ ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा डी टी माइनस वन प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा डी टी माइनस टू प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा स्क्वायर डी टी माइनस थ्री प्लस अल्फा डी सॉरी अल्फा वन माइनस अल्फा ये क्यूब डी टी माइनस फोर। इसको आप यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यहां पर कर सकते हैं ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस मेथड को यूज करके भी आप डिमांड को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो कहीं भी फोरकास्ट यूज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर आप देखिए यहां पर ये फोरकास्ट ऑफ सेवेंथ पीरियड है, तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर सिक्स, डिमांड फॉर फाइव, डिमांड फॉर फोर, ये थ्री टू वन, वो वैल्यू को पुट कर देंगे और अल्फा की वैल्यू तो आपको 0.2 दी गई है ना। वहां से आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर को आप गेट में क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, और फिर वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉरी ये वेटेज इस टाइप से हम असाइन करते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था, मैंने यहां पर बताया था कि ये सीरीज हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें डिमांड बहुत ज्यादा अप टू इनफाइनाइट सीरीज दिया रहता है। यहां पर क्या ये इनफाइनाइट दिया गया है क्या फ्रेंड्स, मुझे यहां तो सिर्फ मेरे पास n इज इक्वल टू सिक्स है कि नहीं है, यहां पर n की वैल्यू तो मेरे पास सिक्स है। तो अगर n की वैल्यू सिक्स है तो यहां पर मैं इस मेथड को यूज नहीं करूंगा। बहुत सारे, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने यूट्यूब चैनल पर देखा है, वो इसको बता देते हैं कि आप इस तरह से यूज करिए। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट की कॉपीज में देखा है कि वो इस टाइप से कराते हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक बात बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूं, नहीं आता है तो मत पढ़ाया करिए, ठीक है, लेकिन गलत मत पढ़ाइए, बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। देखिए टेक्निकली दिस इज नॉट रॉन्ग, बट यहां पर ये सीरीज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज्यादा डिमांड दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इसको यूज करना भी चाहता हूं तो मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर अगर मेरे पास 200-300, अगर n की वैल्यू मेरे पास 200-300 होती ना, तो पहले मैं इसको यूज कर लेता, लेकिन अब मैं इसको यूज नहीं कर सकता। यहां पर हमको क्या करना पड़ता है, जब हमको ये वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना है, अब मुझे फोरकास्ट देना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर जो सबसे पहला पीरियड था उसी के डिमांड को आप क्या मान लेंगे, फोरकास्ट मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो फोरकास्ट वन है, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो अल्फा की वैल्यू 0.2 को मैं भी हटा दे रहा हूं, यहां पर अगर मैं एक और लिख देता हूं, यहां पर मैं फोरकास्ट लिख देता हूं, तो यहां पर जो एफ वन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। इस मेथड को हम कहते हैं नेम मेथड, ठीक है। कोई वैज्ञानिक थे मिस्टर नेव, उन्होंने बताया था। तो आप क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आपको प्रीवियस ईयर की फोरकास्टिंग नहीं दी गई है, तो आप वहां पर उसके जो डिमांड है फर्स्ट ईयर का, लास्ट ईयर का मत ले लेना, फर्स्ट ईयर के डिमांड को ही आप फोरकास्ट ले लेना। अब आप क्या कर सकते हैं, एफ टू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ टू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ टू इज इक्वल टू एफ वन प्लस अल्फा डी वन माइनस एफ वन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। F2 क्या हो जाएगा आपका, F1 की वैल्यू कितनी ली है मैंने, 32 प्लस अल्फा आपका है 0.2, D1 कितना है आपका 32 माइनस ये क्या हो जाएगा 32, तो F2 की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, F2 की वैल्यू भी आपकी 32। अब आप क्या करेंगे, F3 निकालेंगे, तो F3 क्या होगी आपकी F2 प्लस अल्फा डी टू माइनस एफ टू, यही होगा। तो यहां पर जो F3 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 प्लस 0.2 28 माइनस 32। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास डिमांड 28 था, तो मैंने यहां पर क्या किया, इसको पुट कर दिया, तो F3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 प्लस 0.2 इंटू ये 4 हो जाएगा, 4 2 8 माइनस 4 है ये, ठीक है। तो 32 माइनस 0.8, तो यहां पर जो आपके पास F3 की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आपकी आएगी 31.2, ये आपकी कितनी आ रही है, 31.2।
टू। ऐसे आप क्या करते जाएंगे, एफ फोर की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे, एफ फोर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे क्या होगी, एफ थ्री प्लस अल्फा डी थ्री माइनस एफ थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, एफ फोर की वैल्यू हो जाएगा 31.2 प्लस 0.2 इंटू इंटू डी थ्री। डी थ्री कितना है आपका, डिमांड फॉर टाइम थ्री, डिमांड फॉर टाइम थ्री आपका है 31, 31 माइनस 31.2। तो ठीक है, तो यहां से F4 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 31.2 माइनस 0.04 यही आ रही है। तो 31.2 माइनस 0.04 तो ये आपकी कितनी आ रही है, 31.16। F4 की वैल्यू आ रही है 31.16। ठीक है, उसी तरह से आप F5 कैलकुलेट करेंगे, F6 कैलकुलेट करेंगे और बाद में आप क्या करेंगे, सेवेंथ पीरियड के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे इसका आंसर नहीं पता है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और टेलीग्राम चैनल पे मुझे इसका आंसर दीजिएगा। क्या टेलीग्राम है हमारा, जी सेवियर सिविल मैकेनिकल, जी सेवियर सिविल मैकेनिकल में मुझे आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो समझ में आया क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका फोरकास्टिंग का मॉडल। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों का क्या होगा, रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, चलो चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं, प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को ये निकालना तो है एफ की वैल्यू फॉर सेवेंथ पीरियड, यहां पर आप लोगों के पास अल्फा 0.2 और अल्फा 0.4 के लिए भी पूछा है। तो आप लोग 0.2 और 0.4 दोनों के लिए अपनी कॉपी में कैलकुलेट करेंगे और उसको मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ असाइनमेंट, ये आपका असाइनमेंट हो गया। देखिए, जितना क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे ना उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, ये रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस किसके अंडर आता है, हमने पढ़ा था रिग्रेशन एनालिसिस एक कोरिलेशन बेस्ड टेक्निक के अंडर आता है। तो मैंने क्या पढ़ा था, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, इट कम्स अंडर कोरिलेशन बेस्ड टेक्निक। यहां पर क्या होता है, ये कोरिलेशन बेस्ड टेक्निक के अंडर आता है। ठीक है, किसके अंडर आता है, कोरिलेशन बेस्ड टेक्निक के अंडर आता है। अब यहां पर क्या होता है, देखिए फ्रेंड, सिंपल सा है, बहुत इजी है। यहां पर जो आपका ईयर एंड डिमांड होता है, ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो हमारा पीरियड एंड डिमांड होता है, पीरियड एंड डिमांड के बीच में हम क्या करते हैं, वी मेक अ रिलेशनशिप। हम यहां पर क्या करते हैं, पीरियड और डिमांड के बीच एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करके हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं फॉर टाइम टी। अब देखिए, मैं एक बता रहा हूं आपको, यहां पर जो हमारी फोरकास्टिंग होती है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमारे पास पहले क्या होता है, हमारे पास पीरियड दिया रहता है और उस पीरियड का डिमांड या फिर क्या दिया जाता है, डिमांड या फिर हमको सेल्स दिया जाता है। ठीक है, तो हम पीरियड को क्या एज्यूम करते हैं, हम पीरियड को एक्स एज्यूम करते हैं। ठीक है, और हम अपनी डिमांड को क्या एज्यूम करते हैं, हम अपनी डिमांड को वाई एज्यूम करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां आपको ये चीज समझना पड़ेगा, बस इतनी सी ही सी चीज समझनी है, दैट इन रिग्रेशन एनालिसिस वी एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द पीरियड एंड द डिमांड और वी कैलकुलेट द फोरकास्ट फॉर अ पीरियड बाय द रिलेशन। यहां पर हम रिलेशन लगाते हैं, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी पीरियड का फोरकास्ट निकाल सकता हूं इस रिलेशनशिप की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कैसे करता हूं, यहां पर मेरे पास एक रिलेशन होता है, ये होता है समीशन वाई। अब देखिए यहां पर मेरे पास क्या है, ए और बी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर मैं पहले तो मैं यहां पर समझा दूं आप लोगों को, मान लीजिए कि मैं अगर y1 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। अगर मैं y2 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां पर x2 हो जाएगा। अगर मैं y3 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो x3 हो जाएगा। मतलब मैं जिस पीरियड का डिमांड लूंगा, मतलब जिस पीरियड को लूंगा उस पीरियड के करस्पॉन्डिंग मैं उसकी डिमांड को या फोरकास्ट को, एक्चुअली y इज अ फोरकास्ट, ये आपकी क्या है, ये आपकी है फोरकास्ट।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसके फोरकास्ट को मैं क्या कर देता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ये किसकी, एक लाइन की इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज अ इक्वेशन फॉर अ लाइन। तो अगर ये एक लाइन की इक्वेशन है तो यहां पर मेरे पास इस लाइन को डिफाइन करने के लिए दो कॉन्स्टेंट भी है, ठीक है, और इस दो कॉन्स्टेंट की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो मेरे को कितना इक्वेशन लगेगा, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन लगेगा। तो वो जो दो इक्वेशन है हम कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं समीशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स, और दूसरा हम निकालते हैं समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दो रिलेशंस का हम यूज करते हैं। इस रिलेशन से हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम यहां पर ए और यहां पर ये जो बी है, देखिए यहां पर मेरे पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, तो इन दो इक्वेशन और दो वेरिएबल से हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस ए और बी की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, और यहां पर पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फोरकास्ट निकालते हैं किसका, जिस भी पीरियड का हमको पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा इसको समझने का, सबसे बेहतरीन तरीका होगा एक न्यूमेरिकल, जिसके थ्रू मैं इसको समझाता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलो इस न्यूमेरिकल को देखिए जरा, ठीक है, ओके। क्या दिया गया है, दिया गया है कि फाइंड द डिमांड फॉर द एट्थ पीरियड, आपको एट्थ पीरियड का डिमांड किया गया है। ऑल्सो कैलकुलेट द मीन स्क्वायर एरर, इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि मीन स्क्वायर एरर क्या होता है। अभी आपको क्या बोला है कि भाई मेरे पास टोटल सात ईयर दिया गया, ईयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसका डिमांड मेरे को दे दिया गया 30, 32, 35, 36, 38, 39, 42। तो आपको क्या दे दिया गया है, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको यहां पर दिया गया है पीरियड, आपको यहां पर दिया गया है पीरियड। तो मैंने क्या बोला था, पीरियड को हम एक्स मानेंगे, यहां पर हमको दिया गया है डिमांड, डिमांड को हम y मानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिशन x निकालेंगे, ठीक है, सॉरी यहां पर हम निकालेंगे x स्क्वायर, यहां पर हम निकालेंगे x स्क्वायर, और यहां पर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ xy, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास यही इक्वेशन है ना कि सबमिशन y इज इक्वल टू ए एन प्लस बी सबमिशन x, और दूसरा मेरे पास क्या है, सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। यही दो इक्वेशन का मुझे यूज करना है। तो मुझे यहां पर कुछ कॉलम्स क्रिएट करने होंगे, एक एक्स का होगा, एक वाई का होगा, एक समीशन एक्स वाई का होगा, और एक समीशन एक्स स्क्वायर का होगा। तो यहां पर मैंने बताया था कि हम ईयर को किसमें डिनोट करते हैं, हम ईयर या पीरियड को एक्स से डिनोट करते हैं, डिमांड को हम वाई से करते हैं, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूं, बहुत इजी है फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पर देखिए मेरे पास कितना आपको दिया गया है, टोटल सात आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है, टोटल आप लोगों को क्या किया गया है, सात आप लोगों को वैल्यूज दी गई है, एक दो तीन चार, बहुत छोटा छोटा बना दे रहा हूं, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, एक दो तीन चार पांच, और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक और मेरे को बनाना पड़ेगा, छह तो सात हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेरे पास पीरियड क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहां पर डिमांड मेरे को दे दिया गया है 30, 32, 30, 35, 36, 38, 39, 42, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर मुझे ये चीजें मेरे को यहां पर क्या कर दी गई हैं, दे दी गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। तो यहां पर सबसे पहले तो यहां पर देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं यहां पर सबमिशन एक्स की वैल्यू बता देता हूं। तो सबमिशन एक्स की वैल्यू यहां पहले से क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है, इसकी वैल्यू है यहां पर 28,
ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, सबमिशन एक्स की वैल्यू हो गई। यहां पर मेरे पास सबमिशन वाई की वैल्यू है, ये कितनी है 252, ये भी मैंने क्वेश्चन में क्या कर दिया है, लिख दिया है, ठीक है, ताकि मेहनत बचे और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो वन का स्क्वायर यहां पर हो गया वन, ये हो गया फोर, ये नाइन, ये सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव, 36 और ये क्या हो गया 49। तो यहां पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, सबमिशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 16 30, 55, 55 प्लस 36 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 49। तो ये आपका आ रहा है 140, सबमिशन एक्स स्क्वायर आपका 140 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स वाई क्या होगा 1 इंटू 30 मतलब एक्स इंटू वाई, तो ये क्या होगा 30, ये क्या होगा 64, ये आपका क्या होगा 35 इंटू 3 105, ठीक है 36 इंटू 4 36 इंटू 4 ये आपका आएगा 144, 38 इंटू 5 ये आपका आ रहा है 190, ठीक है। उसके बाद 39 इंटू 6 ये आपका आ रहा है 234, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है 42 इंटू 7 ये आपका कितना आ रहा है 294, ये आपका आ रहा है 294। तो यहां से जब आप सबमिशन एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, सबमिशन एक्स वाई को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, इसको मैं पूरा ऐड कर देता हूं, 30 प्लस 64 प्लस 105 प्लस 144 प्लस 190 प्लस 234 प्लस 294, तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है 1061 आ रही है, सबमिशन एक्स वाई की वैल्यू 1061। तो आप लोगों के पास सारी वैल्यूज निकल के आ गई, आप लोगों के पास सारी वैल्यू निकल के आ गई, सबमिशन एक्स, सबमिशन वाई, सबमिशन एक्स स्क्वायर, सबमिशन एक्स वाई। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या इक्वेशन है, सबमिशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सबमिशन एक्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, सबमिशन वाई की वैल्यू कितनी है 252 इज इक्वल टू 7a, ठीक है। यहां पर टोटल आपको कितना नंबर दिया गया है, टोटल 7 दिया गया है, प्लस बी सबमिशन एक्स, सबमिशन एक्स क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 28b। ये अब मेरा क्या होगा, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा मेरा, सबमिशन एक्स वाई, सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सबमिशन एक्स, ए सबमिशन एक्स प्लस बी सबमिशन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ रहा है 1061 इज इक्वल टू 28a प्लस 140b, ये आपका क्या हो गया दूसरा इक्वेशन आ गया। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका क्या आ रहा है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, a की वैल्यू 7, 28, 252, उसके बाद आपकी आ रही है 28, 140, उसके बाद है आपका 1061। तो देखिए a की वैल्यू अब मैं बता देता हूं, a की वैल्यू आपकी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है आपकी 28.42 और b की वैल्यू आपकी आ रही है 1.892, b की वैल्यू आपकी आ रही है 1.892, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई है, ये आपकी वैल्यू आ गई। आपको देखिए समझ में आ गया होगा, देखिए हमने क्या किया, मैंने आपको बोला आप पीरियड को एक्स असाइन करिए, आप डिमांड को वाई असाइन करिए, उसके बाद आप एक्स स्क्वायर एक्स वाई की वैल्यू निकाल के उनका सबमिशन कर दीजिए और उसको इन गवर्निंग इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको इस गवर्निंग इक्वेशन में पुट कर दीजिए। एक बार आप इस गवर्निंग इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये जो दो वेरिएबल है ए बी, इसकी वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को आप वाई इज इक्वल टू, यहां पर इसके बाद क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोरकास्ट की। अब मुझे y फॉर क्या निकालना है, 8 निकालना है, ठीक है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, a कितना है आपका 28.42 प्लस b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, b की वैल्यू है 1.892 इंटू कौन से पीरियड के लिए ले रहा हूं मैं, 8th पीरियड के लिए ले रहा हूं, तो y फॉर 8 आ जाएगा। तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा, यहां पर जो मेरा आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा 28.42 प्लस 1.892, हमेशा थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कंसिडर करिएगा, इनटू 8, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 43.556।
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 44। तो क्या इस टेबल के अकॉर्डिंग वो ठीक लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखिए फ्रेंड्स बढ़ता जा रहा है आपका, देखिए ये बढ़ता जा रहा है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ये। तो देखिए अगला भी कितना आ रहा है आपका, 44 आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं थ्योरेटिकली एक दो चीजें आपको बता सकता हूं। रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपका डिमांड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो आपके रिग्रेशन एनालिसिस के हेल्प से आपका जो आंसर आना चाहिए वो प्रीवियस डाटा से ज्यादा आना चाहिए। एंड थैंक गॉड कि हमारा प्रीवियस डाटा से ज्यादा आ रहा है। अगर आपका प्रीवियस डाटा से कम आंसर आ गया तो यहां पर आपने कुछ ना कुछ गलती की है, ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक बात करिए, समझिएगा, यहां पर आप लोगों को वो मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू निकालने बोल रहा है। वहां पर वो आपको क्या कर रहा है, वो मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू पूछा है। तो मीन स्क्वायर एरर को निकालने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि भाई एरर क्या होगा। पहले मुझे ये तो समझ में आए कि भाई एरर क्या है। अब देखिए मैं समझाता हूं यहां पर एरर क्या है, उसके बाद मीन स्क्वायर एरर भी मैं निकालना सिखाऊंगा। देखिए मैंने यहां पर आठवें पीरियड का फोरकास्ट किया 44। मैं यहां पर पहले पीरियड का भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर मैं Y1 को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो Y1 क्या होगा, A प्लस बी इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 20। क्या आ रहा है, A और B की वैल्यू मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, 28.42 1.892, ठीक है। A की वैल्यू है 28.42 और B की वैल्यू है 1.892, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं 28.42 प्लस B इंटू यानी कि 1.892 इंटू 1, तो यहां पर जो मेरे Y1 की वैल्यू आ रही है यानी कि फोरकास्ट पहले ईयर का जो फोरकास्ट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है वो मैं बता देता हूं, 1.892। ये कितनी आ रही है, ये आपकी आ रही है 30.312। देखिए अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पहले पीरियड का कितना है 30.312 और डिमांड एक्चुअली में कितनी थी 30 थी। तो आपका कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो एरर कितना आ रहा है, वो एरर आ रहा है 0.312 माइनस, ठीक है। आपका जो एरर होता है, एरर होता है डिमांड माइनस फोरकास्ट। क्या होता है आप लोगों का, ये आपका एरर होता है। एरर आपका क्या होता है, डिमांड माइनस फोरकास्ट। आपकी एक्चुअल में कितनी डिमांड थी माइनस फोरकास्ट आपकी कितनी आई है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं Y2 को कैलकुलेट करूंगा, Y2 को, तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं सबकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं X, यहां पर मैं लिखता हूं Y, यहां पर मैं लिखता हूं फोरकास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है 30। इसको मैं पूरा लिख देता हूं 30, 32, 35, 36, 32, 35, 36, उसके बाद आपका था 38, 40, 42, यही होगा, नहीं 39, 42, ठीक है। ये आपका आ गया 39 और ये 42, ठीक है। यहां पर आपका फोरकास्ट आया 31.32, तो यहां पर आप लिख दीजिए एरर, तो ये -0.32। अगर आप F2 निकालना चाहते तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका आ रहा है 32.204, ये आपका कितना आ रहा है 32.204, तो ये क्या हो जाएगा -0.204। अगर आप यहां पर F3 निकालेंगे तो F3 की वैल्यू भी मैं बता देता हूं, ये वैल्यू आपकी आ रही है 34.096, ये कितने आ रही है 34.096, तो यहां पर जो आ रहा है 0.04 आ रहा है, ठीक है 0.004, ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। 35 माइनस 34.096 0.904 ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद अगर मैं यहां पर वैल्यू निकालना चाहता हूं 28.42 प्लस 1.892 इंटू ये कौन सा आ गया 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 35.988, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है 0.012, ठीक है। फिफ्थ के लिए भी मैं निकाल लेता हूं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर आ जा रहा है 28.42 प्लस 1.892 इंटू 5, ये आपकी वैल्यू आ रही है 37.88, तो ये 0.12 आ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं इस सिक्स्थ के लिए भी कर देता हूं, ये आपकी वैल्यू आ रही है 39.772, तो ये -0.772 आ जा रहा है।
और लास्ट में जो आपका आ रहा है सेवेंथ पीरियड के लिए इंटू सेवन, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ रही है 41.664। तो आपका जो एरर आ रहा है, आपका जो एरर आ रहा है वो आ रहा है 0.336 प्लस 0.336। अब थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर रिग्रेशन एनालिसिस से फोरकास्ट की भी वैल्यू निकाली, एरर की भी वैल्यू निकाली। अब यहां पर थोड़ा ध्यान अगर देंगे आप लोग, तो यहां पर एरर की वैल्यू पॉजिटिव में भी आ रही है, नेगेटिव में भी आ रही है। तो मीन स्क्वायर एरर इसलिए आपसे निकालने बोलता है कि मीन स्क्वायर एरर में आप क्या करते हैं, आप इस पूरे एरर का, ठीक है, आप क्या करते हैं, एरर वन स्क्वायर प्लस एरर टू स्क्वायर प्लस एरर थ्री स्क्वायर प्लस एरर फोर स्क्वायर प्लस ऐसे करके एरर एन स्क्वायर अपॉन ये क्या कर देते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन कंसिडर करते हैं। तो यहां से ये जो वैल्यू आपकी आती है ना फ्रेंड्स, ये आपकी मीन स्क्वायर एरर आती है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मान लीजिए कि मैं इसको क्या कर देता हूं, सिर्फ ऐड कर देता हूं, मतलब मैं मीन एरर निकाल देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आपका मीन एरर निकाल देता हूं। क्या कर देता हूं मैं, मीन एरर। तो मीन एरर अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो मीन एरर में क्या होगा, मैं इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय एन कर दूंगा। हो सकता है कि वो वैल्यू जीरो आ जाए, हो सकता है कि वो वैल्यू जीरो आ जाए, लेकिन एरर मेरा जीरो तो है नहीं। तो अगर एरर मेरा जीरो है नहीं है, तो हम कभी भी यहां पर मीन एरर को कैलकुलेट नहीं करते, हम यहां पर हमेशा मीन स्क्वायर एरर को करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, जो कि पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, दो नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ईयर का फोरकास्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डिमांड माइनस फोरकास्ट से आपको एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस एरर का स्क्वायर करके उसका फिर क्या निकालना पड़ेगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं इसको बताऊं, तो ये जो वैल्यू मेरी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -0.32 का स्क्वायर प्लस -0.204 का स्क्वायर प्लस 0.904 का स्क्वायर प्लस 0.012 का स्क्वायर प्लस यहां पर आपका क्या है, 0.12 का स्क्वायर प्लस 0.772 का स्क्वायर प्लस आपका लास्ट में क्या है, 0.336 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन देता है तो वो आपको हमेशा मीन स्क्वायर एरर निकालने को देगा, कभी भी आपको मीन एरर निकालने को नहीं देगा। अगर दे भी देता है, मान लो पूछ भी लेता है, तो निकाल देना, ठीक है। समझ में आया कि आप एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन स्क्वायर एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन एरर भी अगर पूछ देता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने यहां पर फोरकास्टिंग में भी मैंने पढ़ाया था ना, फोरकास्टिंग में क्या होता है, एफ ऑफ टी जो होता है वो होता है एफ ऑफ टी माइनस वन प्लस अल्फा डी टी माइनस वन माइनस एफ ऑफ टी माइनस वन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है, ये भी आपका एरर भी तो है, ये भी तो आपका एरर ही है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस वन प्लस अल्फा इनटू एरर ऑफ टी माइनस वन। इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोरकास्टिंग में भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में भी ये आपसे पूछ सकता है, बट जनरली इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और टफ पूछ भी देगा तो ये यूज कर लेना, इसको भी आप एज अ रिलेशन यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा जो आपका फोरकास्टिंग है, उसका पूरा एक एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आज का ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अब लगाना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल अब आसानी से फोरकास्टिंग का कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा सीक्वेंसिंग या फिर क्यूइंग मॉडल जो होता है, उनमें से कोई भी एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊं, ठीक है। और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसके सिलेबस को भी हम कंप्लीट करें, ताकि फिर हम क्या करें, जो हमारा मेन जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी तरफ भी हम आगे बढ़े, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।